खोज वर्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ड को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, विज्ञान और विकास के बढ़ते कदम ने हमारे सामने कई चुनौतियों को खड़ा कर दिया है, जिससे निपटना हमारे लिए आसान नहीं है। विकास की महत्वाकांक्षी इच्छाओं ने हमारे सामने पर्यावरण की विषम स्थिति पैदा कर दी है, जिसका असर इंसानी जीवन के अलावा पशु पक्षियों पर साफ देखा जा सकता है। इंसान के बेहद करीब रहने वाली कई प्रजाति के पक्षी और चिड़िया आज हमारे बीच से गायब हैं। उन्हीं में से एक है स्फेरो, यानी कि नन्ही सी गौरैया। गौरैया हमारी प्रकृति और उसकी सहचरी है। गौरैया की यादें आज भी हमारे जहन में ताजा हैं। कभी वो नीम के पेड़ के नीचे फुदकती और कभी अम्मा की तरफ से बिखरे हुए चावलों को चुगने के लिए दौड़ती। नवरात्र में अम्मा अक्सर मिट्टी की हांडी नीम के पेड़ तले गाड़ती और चिड़िया के साथ दूसरे पक्षी अपनी प्यास बुझाते। लेकिन बदलते दौर और नई सोच की पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति कोई सोच नहीं दिखती। अब बेहद कम घरों में पक्षियों के लिए इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। प्यारी गौरैया कभी घर की दीवार पर लगे आईने पर अपने हम शक्ल पर चौंच मारती, तो कभी खाट के नजदीक आती। बदलते वक्त के साथ आज गौरैया का बयां दिखाई नहीं देता। एक वक्त था जब बबूल के पेड़ पर सैकड़ों की संख्या में घोंसले टके होते और गौरैया के साथ उनके चूजे चींची चींची चूचू चूचू का शोर मचाते। बचपन की यादें आज भी जेहन में ताजा हैं, लेकिन वक्त के साथ गौरैया एक कहानी बन गई है। उसकी आमद बेहद कम दिखती है। गौरैया इंसान की सच्ची दोस्त भी है और पर्यावरण संरक्षण में उसकी खास भूमिका भी है। दुनिया भर में 20 मार्च गौरैया संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार भीष्म साहनी ने अपने बाल साहित्य में गौरैया पर बड़ी अच्छी कहानी लिखी है, जिसे उन्होंने गौरैया नाम दिया है। हालांकि जागरूकता की वजह से गौरैया की आमद बढ़ने लगी है, हमारे लिए ये शुभ संकेत हैं। गौरैया का संरक्षण हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी है। इंसान की भोगवादी संस्कृति ने हमें प्रकृति और उसके साहचर्य से दूर कर दिया। विज्ञान और विकास हमारे लिए वरदान साबित हुआ है, लेकिन दूसरा पहलू कठिन चुनौती भी पेश करता है। गौरैया एक घरेलू और पालतू पक्षी है। ये इंसान और उसकी बस्ती के पास अधिक रहना पसंद करती है। पूर्वी एशिया में ये बहुतायत में पाई जाती है। ये अधिक वजनी नहीं होती। इसका जीवन काल 2 साल का होता है। ये 5 से 6 अंडे देती है। आंध्र यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में गौरैया की आबादी में 60% से अधिक की कमी पाई गई। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने इस चुलबुली और चंचल पक्षी को रेड लिस्ट में डाल दिया है। दुनिया भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में गौरैया की आबादी घटी है। गौरैया की घटती आबादी के पीछे मानव विकास सबसे अधिक जिम्मेदार है। गौरैया पासेराडेई परिवार की सदस्य है, लेकिन इसे बीवर पिंच का परिवार का भी सदस्य माना जाता है। इसकी लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 25 से 30 ग्राम होता है। ये अधिकांश झुंड में रहती है। ये अधिक से अधिक 2 मील की दूरी तय करती है। गौरैया को अंग्रेजी में पासर डोमेस्टिकस के नाम से बुलाते हैं। मानव जहां जहां गया, गौरैया उसका हम सफर बनकर उसके साथ गई। शहरी हिस्सों में उसकी 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें हाउस स्पैरो, स्पेनिश सियू स्पैरो, रसेट डेड और टी स्पैरो शामिल हैं। ये यूरोप एशिया के साथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अधिकतर हिस्सों में मिलती है। इसकी प्राकृतिक खूबी है कि ये इंसान की सबसे करीबी दोस्त है। बढ़ती आबादी के कारण जंगलों का सफाया हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाग बगीचे खत्म हो रहे हैं। इसका सीधा असर इन पर दिख रहा है। गांवों में अब पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, जिसका कारण है कि मकानों में गौरैया को अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। पहले गांवों में कच्चे मकान बनाए जाते थे, उसमें लकड़ी और दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था। कच्चे मकान गौरैया के लिए प्राकृतिक वातावरण और तापमान के लिहाज से अनुकूल वातावरण उपलब्ध करते थे, लेकिन आधुनिक मकानों में ये सुविधा अब उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते अब पार्कों में भी संकट खड़ा हो गया है। ये पक्षी अधिक तापमान में भी नहीं रह सकता। शहरों में भी अब आधुनिक सोच के चलते जहाँ पार्कों पर संकट खड़ा हो गया, वहीं गगनचुंबी इमारतें और संचार क्रांति इनके लिए अभिशाप बन गई। शहरों से लेकर गांवों तक
मोबाइल टावर एवं उससे निकलते रेडिएशन ने इनकी जिंदगी संकट में डाल दी। देश के बढ़ते औद्योगिक विकास ने एक सवाल खड़ा कर दिया, फैक्ट्रियों से निकले केमिकलाइज जहरीले धुएं गोरैया की जिंदगी के सबसे बड़े खतरे बन गए। उद्योगों की स्थापना और पर्यावरण की रक्षा को लेकर संसद से सड़क तक चिंता जाहिर की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखता। कार्बन उगलते वाहनों को प्रदूषण मुक्त का प्रमाण पत्र चस्पा कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत उसे कुछ अलग है। गोरैया की पहचान क्या होती है, अक्सर ये सवाल सबके मन में उठता होगा। दरअसल नर गोरैया के गले के नीचे काला धब्बा होता है। वैसे तो इसके लिए सभी प्रकार की जलवायु अनुकूल होती है, लेकिन ये पहाड़ी इलाकों में नहीं दिखती है, ग्रामीण इलाकों में अधिक मिलती है। गोरैया घास के बीजों को अपने भोजन के रूप में पसंद करती है। पर्यावरण प्रेमियों के लिए ये चिंता का सवाल है। इस पक्षी को बचाने के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से कोई खास पहल नहीं दिखती। दुनिया भर के पर्यावरणविद इसकी घटती आबादी पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। खेती किसानी में रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग बेजुबान पक्षियों और गोरैयों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। आहार भी जहरीले हो गए हैं। केमिकल युक्त रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से कीड़े मकौड़े भी लुप्त हो चले हैं, जिससे गोरैया के आगे भी भोजन का संकट हो गया है। उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण मिट्टी में पैदा होने वाले कीड़े मकौड़े समाप्त हो चले हैं, जिससे गोरैया को भोजन नहीं मिल पाता। हमारे आसपास के हानिकारक कीटाणुओं को ये अपना भोजन बनाती थी, जिससे मानव स्वस्थ और वातावरण साफ सुथरा रहता था। दूसरा सबसे बड़ा कारण, मकर संक्रांति पर पतंग उत्सवों के दौरान हमारे यहाँ काफी पक्षियों का मौत के घाट उतर जाना है। पतंग की डोर से उड़ने के दौरान उनकी जद में आने से पक्षियों के पंख कट जाते हैं। हवाई मार्गों के जद में आने से उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बच्चों की ओर से चिड़ियों को रंग दिया जाता है, जिससे उनका पंख गीला हो जाता है, वे उड़ नहीं पाती। हिंसक पक्षी जैसे बाज इत्यादि हमला कर उन्हें मौत की नींद सुला देते। वहीं मनोरंजन के लिए गोरैयों के पैर में धागा बांध दिया जाता है। कभी कभी ये धागा पेड़ों में उलझ जाता है, जिससे उनकी जान चली जाती। समय रहते हुए इस विलुप्त होती प्रजाति पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब गिद्धों की तरह गोरैया भी इतिहास बन जाएगी, और ये सिर्फ गूगल और किताबों में ही दिखेगी। सिर्फ सरकार के भरोसे हम इंसानी दोस्त गोरैया को नहीं बचा सकते हैं, इसके लिए हमें आने वाली पीढ़ी को भी बताना होगा कि गोरैया अथवा दूसरे विलुप्त होते पक्षियों का महत्व हमारे मानवीय जीवन और पर्यावरण के लिए खास अहमियत रखता है। प्रकृति प्रेमियों को अभियान चलाकर लोगों को मानव जीवन में पशु पक्षियों के योगदान की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा स्कूली पाठ्यक्रमों में हमें गोरैया और दूसरे पक्षियों को शामिल करना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी गोरैया गूगल गोरैया बन जाएगी। कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।